नमस्कार, आप सभी का मेरे रेखीय ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। अब मैं पांचवे चक्रा, फिफ्थ चक्रा, जिसे कि हम जो हमारे कंठ में स्थित होता है, जिसे विशुद्धि चक्रा संस्कृत में बोला जाता है, उसकी जानकारी दूंगी। ये चक्रा हमारे कंठ में स्थित होता है, यानी कि इसका वास यहाँ है, जो यहाँ पीछे से ही कनेक्ट होता है। इसका जो स्वर है या इसका जो मंत्र है वह है हम। इसको हम शब्द से संबोधित करते हैं। संस्कृत में इसे विशुद्धि चक्र बोला जाता है और कंठ से ना बोलने या बोल अलग तरह के हकलाने की समस्या है, इसी चक्रा के ना होने का या खराब होने का नतीजा है। ये नीले रंग का होता है, हल्की नीला रंग की आभा लिए हुए ये चक्रा होता है। तो इसका कलर क्या है? इसका कलर है ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर का ये चक्रा हमारे कंठ में स्थित होता है। ये क्या करता है, किस तरीके की हमें जानकारी देता है और इसे कैसे एक्टिवेट करेंगे, या अगर जिन लोगों का नहीं एक्टिवेट या विशुद्धि चक्रा ब्लॉक है तो कैसे जानेंगे उनके ब्लॉकेजेस निकालना। कंठ में होने के कारण ये हकलाने की प्रॉब्लम्स, झूठ बोलने की प्रॉब्लम्स, अपनी बात को सिद्ध ना करने की प्रॉब्लम्स इस चक्रा का मेन इसकी जड़ है। जिन लोगों का विशुद्धि चक्र एक्टिवेट नहीं होता या जिन लोगों का विशुद्धि चक्र दूषित है, वो लोग झूठ बात बात में बोलेंगे, वो लोग अपने बात को संकल्प शक्ति नहीं रखेंगे, वो कार्य सिद्धि उनकी पूरी नहीं होगी, वो काम करेंगे पर उनके काम उनकी इच्छाओं के अनुसार पूरे नहीं होंगे। ये सारी चीजें विशुद्धि चक्रा का नतीजा है। थ्रोट इन्फेक्शन उनको बहुत जल्दी होगा, गले की समस्याएं उनको हमेशा रहेंगी जिन लोगों का विशुद्धि चक्र एक्टिवेट नहीं है। उनको मान प्रतिष्ठा की कमी रहेगी, उनकी बात सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि इस चक्रा के कारण ब्रह्मा और सरस्वती हैं, तो ये चक्रा अपने आप में मूलभूत कारण हो जाता है आपकी कार्य सिद्धि का। जब हम किसी से बात करते हैं तो पहला हमारा जो शब्द होता है वही उस पर छाता है। तो जिन लोगों का विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है उनके शब्दों में प्राण शक्ति बहुत होती है, ऊर्जा शक्ति का बहुत संचार होता है। विशुद्धि चक्र जिन लोगों का उचित होता है उनकी बात या संकल्प शक्ति बहुत होती है, उनको स्वयं सिद्धि होती है अपने कंठ से बोलकर उस कार्य को पूरा करने की। ये 16 प्रकार की कलाओं से है। इसके अंदर 16 प्रकार की पंखुड़ियां ली हुई ये कमल दल है। तो 16 जब इसकी कमल दल है, इसकी पंखुड़ियों में कमल जो 16 प्रकार के अलग अलग आभा और लिए होता है, तो उसकी ऊर्जा शक्ति बहुत है। सरस्वती कारक होने के कारण, ब्रह्मा कारक होने के कारण कार्य सिद्धि में बहुत मदद करता है। ये प्राण चेतना, ऊर्जा चेतना का कारक है। ये कारण, ये चक्र ही आपको समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाता है। जिन लोगों का ये एक्टिवेट नहीं, उन्हें हकलाने की बहुत प्रॉब्लम होती है। आप देखिए, बात बात में रुक जाएंगे, हकलाएंगे या अपनी बात को कर नहीं पाएंगे, या उनकी बात का प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। अगर ये चक्र आपको एक्टिवेट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप इसके लिए कोई माला इस्तेमाल कर सकते हैं तो नीले रंग की आप लेपर लूसली की माला होती है वो इस्तेमाल कीजिए। यंत्रा में इस तरीके के गोमती चक्र का या आपको कोई कछुए के आकार का यंत्रा मिलता है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। देखिए, इस तरह की चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अपने पास रखिए। जब आप इस स्वर का इस्तेमाल वहां पर इसके मंत्र का करते हैं तो उस पर हाथ रख के इस तरीके से कीजिए या अपनी टेबल पे सामने रखिए। ये ऑटोमेटिक कारक हो जाएगा। ये आपकी ऊर्जा शक्ति को और आपकी वाक शक्ति को बढ़ाएगा। ये सामने वाले पे प्रभाव करने के भाव छोड़ेगा। आपके अंदर चेतना शक्ति होगी, शारीरिक मानसिक शक्ति अधिक से ज्यादा होगी। सभा के अंदर जब आप बात करेंगे तो आपकी बात समझी और बोली जाएगी। ये जिन लोगों का ये चक्र एक्टिवेट नहीं होता है उन लोगों के अंदर बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। जैसे उन लोगों को जो रंग की समस्या है वो कला वाणी के क्षेत्र में नहीं होते, उनको बोलने का तरीका सलीका नहीं आता,
या तो वो बोलते नहीं, या बोलते हैं तो इतना खराब बोलते हैं कि आप उनके संग 5 मिनट भी बिता नहीं सकते। ऐसे लोगों की दोस्ती उनकी वाणी की वजह से ही खराब होती है। इनके मित्र इनकी वाणी की वजह से ही इनसे दूर होते हैं। किसी भी प्रकार का कला के क्षेत्र में इनका कोई सहयोग नहीं होता। गायन के क्षेत्र में ये लोग नहीं होते। इनकी भाषा बहुत दूषित होती है। कई प्रकार की गंदी तरीके की जुबान का ये वहाँ पे प्रयोग करते हैं। इन्हें छोटे बड़े का लिहाज नहीं होता, क्योंकि ये चक्रा आप संस्कृत सरस्वती कारण होने के कारण आपको ज्ञान का भी दिला रहा है। जिन लोगों का ये चक्र एक्टिवेट है उन्हें म्यूजिक बहुत अच्छा लगेगा। वो गायन के क्षेत्र में, ड्राइंग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत अधिक होंगे। उनकी जीवन शक्ति, ऊर्जा शक्ति बहुत होगी। वो ज्ञान ध्यान में बहुत होंगे। वो हर चीज का अभ्यास करेंगे। उन्हें ग्रंथ पढ़ना, पुरानी चीजों को याद रखने की कला होगी। वो कई प्रकार के पुराने ग्रंथों को पढ़ना पसंद करेंगे। उनकी वाक शक्ति बहुत होगी। वो किसी प्रकार के गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो हमेशा अपने शब्दों को तोलकर बोलेंगे। वो शब्द बोलते समय मर्यादा का ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें इसी चक्रा के जिनके एक्टिवेट है उनका नतीजा है। बोलने के कारण उनकी भाषा दूषित नहीं होगी। हर प्रकार में जब भी वो पॉजिटिव होंगे, वो लोग हमेशा ऊर्जा शक्ति, देखिए अगर 100 में से कोई ऐसी बात हुई, अगर किसी को क्रोध आ गया वो अधक है, एक अलग बात होती है। मगर अगर किसी की वाणी रोज आपके लिए खराब है, रोज आप अलग बोलते हैं तो अलग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टोन में बात करते हैं, वो एक ही बात ऐसे टोन में बोलते हैं कि आपको बुरी लग जाती है। वो इसी चक्रा के दूषित या इस चक्रा के खराब होने का कारण है। इस चक्र खराब होने के कारण वो लोग इतना ध्यान नहीं देते कि उनको क्या बात बोलनी है, वो किस तरीके से बोलना है। ये भी इस चक्रा के एक्टिवेट जिनके लोगों का नहीं होता वो कारक है। क्योंकि हमारे गले से जुड़ा हुआ है तो सारी समस्याएं गले की होंगी। थायराइड, ऐसे लोगों को थायराइड की बीमारी होगी, गले की ग्रंथियों की बीमारी होगी, इनको जल्दी जल्दी कफ की समस्या होगी, गला बहुत जल्दी जल्दी इन लोगों का बैठेगा, थ्रोट इन्फेक्शन इन्हें बहुत होगा, गले से सारी संबंधित प्रॉब्लम होगी, पाचन की समस्या, कोई भी चीज खाएंगे जल्दी पचेगी नहीं, गले के अंदर हमेशा खराश रहेगी, हमेशा जो उनकी वाणी होगी वो बदल जाएगी, समय के साथ उनकी जो भाषा है उसमें भी बदलाव होगा। गाली देना, सामने वाले को ना समझना, सामने वाले को झूठा समझना, सामने वाले को छोटा समझना, स्त्री पक्ष का मान सम्मान ना करना, ये सारी समस्याएं इस चक्रा के एक्टिवेट ना होने का ही नतीजा होती है। जब चक्र एक्टिवेट होता है तो ऊर्जा शक्ति का संचार होता है। जिन लोगों के चक्र एक्टिवेट है उनमें ऊर्जा शक्ति बहुत है, प्राण चेतना बहुत है, क्योंकि प्राण कारक है, तो आकाश तत्व है, तो संपूर्ण आकाश तत्व को लिए है, क्योंकि इसका स्वामी क्या है, आकाश। तो आकाश का जो रंग है वही रंग ये चक्रा लिए हुआ है। हल्के नीले रंग की इसकी आभा है, खूबसूरत है, आकाश की तरह खूबसूरत है। जो आकाश आप देखिए, जब बारिश के बाद आकाश धुलकर साफ होता है, जो चमक लिए होता है, वही इस चक्रा का मूल रंग है। उसी प्रकार ये बड़ा और बहुत बड़ा समुन्दर लिए हुआ है। वाणी उनकी बड़ी मधुर है, बहुत शब्दों को तोलकर बोलने वाली होगी। मेन ये चक्रा वाणी कारक है, क्योंकि वाणी होने के कारण ही हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। क्योंकि शब्द और कमल से लिखे हुए जो शब्द हैं वो हमेशा ही घातक होते हैं। तो ये मेन चक्रा उसी का ही कारक है। आकाश की तरह इसका तत्व है, आकाश की तरह इसका कारण है। संस्कृत में हम इसे विशुद्धि चक्र इसीलिए बोल रहे हैं, वरना ये हमारा 5th चक्रा है। और हमारे अपर चक्रास में ये आता है। जितने भी हमारे अपर चक्रा, आप देखिए हार्ट चक्रा जो मैंने आपको बताया इससे पहले, उसके बाद में जितने ऊपर हम अपर चक्रास की तरफ जा रहे हैं, जितने नीचे होते हैं हमारे लोअर चक्रास है, तो धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ अपनी चेतना शक्ति को लेकर जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी चेतना शक्ति ऊपर आ रही है तो ज्ञान आ रहा है, तो यहाँ से क्या है, हमें ज्ञान और ध्यान शुरू हो रहा है अब हमारा। तो यहाँ जितने भी हमारे चक्र ऊपर जा रहे हैं सारे ध्यान कारक और ज्ञान कारक जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ज्ञान, अध्यात्म, शारीरिक हमारा अध्यात्म, मानसिक अध्यात्म, ये धीरे धीरे अब हमारा बढ़ेगा। तो जिन लोगों के अपर चक्र है वो अध्यात्म ध्यान में बहुत है, पूजा पाठ मेडिटेशन प्रेयर्स में बहुत है, वो उन्हें म्यूजिकल फील्ड में बहुत है। वो जब भी सुबह उठ के सबसे पहले अपने इष्ट का, अपने अपने बड़ों का हमेशा ध्यान करते हैं। वो हमेशा हर जगह अपने ध्यान में रहते हैं। वो कभी भी अपने बड़ों का मान सम्मान करना नहीं भूलते। जो हैं
या जो अब नहीं रहे, ऐसे लोगों के लिए भी वो ध्यान या उनके लिए भी वो तर्पण या जो भी उनकी प्रोसीजर है वो करते रहते हैं, जिन लोगों का यहाँ से हम चक्र जिनका एक्टिवेट होना शुरू हो रहा है। तो ज्ञान ध्यान का कह रहा है, क्योंकि ब्रह्मा, तो ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा सोर्स है सृष्टि के कारक, जिन्होंने सृष्टि रची है। तो यहाँ से हमें नॉलेज और विजडम, नॉलेज विजडम भी हमारा चालू हो गया। तो नॉलेज का जो क्षेत्र है, जो हमारे मानसिक और आध्यात्मिक चेतना का क्षेत्र है, अब वो धीरे धीरे चालू हो रहा है। तो आध्यात्मिक मानसिक ये चेतनाएं धीरे धीरे इस चक्रा से एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी, जो हमारे अपर चक्रास को एनर्जी हमें देना शुरू कर देगी। तो यहाँ से हम बढ़ेंगे चेतना की तरफ। ध्यान कीजिए कैसे, यदि आप ओम शब्द का, क्योंकि जितने भी अपर चक्र हैं वो सारे ओम शब्द से भी आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वैसे तो मैं हर शब्द का आपको मंत्र दे रही हूँ, यम लम हम, हर शब्द का आपको मंत्र दे रही हूँ। आपको सिर्फ उन्हीं जो मंत्र में दी, या तो उनका ध्यान कीजिए, या कोई चक्र आपको लगता है आपको पता चल चुका है कि वो एक्टिवेट नहीं है, आप किसी के नॉलेज लेके जान चुके हैं, तो उसको अगर आपको नहीं पता तो सिर्फ ओम शब्द से भी आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपको क्या ओम और शांतिपूर्वक कोई भी समय ध्यानपूर्वक बैठना है, उस चक्रा को सोचना है और 10 मिनट ओम शब्द पे अपनी ऊर्जा शक्ति को निर्धारित करना है। जैसे आप निर्धारित करेंगे, आपकी प्राण चेतना ऊर्जा शक्ति वहां से आपको संचारित आपके पूरे शरीर को करना शुरू कर देगी। तो यहाँ से आपकी जो शारीरिक मानसिक आपकी ऊर्जा शक्ति है, नीले रंग का आपको ध्यान कीजिए, एक सर्कल बनाइए, हल्का आसमानी नीला रंग भरिए और उस आसमानी नीले रंग को देखते हुए ध्यान कीजिए, तो ऑटोमेटिक ये चक्रा आपको एक्टिवेट हो जाएगा। आज मैंने आपको विशुद्धि, जिसका संस्कृत में नाम विशुद्धि चक्रा है, जो कंठ में स्थित है, इसकी जानकारी दी है। मेरे रेखी ज्ञान चैनल से जुड़े हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।